ओके सर, सो हमने अपनी लास्ट क्लास जो थी बेटा, इट वाज रिगार्डिंग स्पेसिफिक हीट। मैं एक बार हल्का सा फिर बोल दूं, स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने कहा था। स्पेसिफिक हीट थी किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिटी से रेज करना था हमने। फिर हमने कहा अगर 1 मोल का टेम्परेचर यूनिटी से रेज करना है तो उसको हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कह दिया था बेटा। एंड देन आफ्टर, और हमने कहा था अगर पूरी बॉडी का, वो चाहे 1 मोल हो, हाफ मोल हो, 5 मोल हो, कुछ भी, कितना भी क्यों ना हो, पूरी बॉडी का टेम्परेचर अगर यूनिटी से बढ़ाना हो तो उसने को हमने हीट कैपेसिटी कह दिया था। ये सब बातें हमने लास्ट में डिस्कस की थी, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारा बता दिया था। अब जो हीट कैपेसिटी है बेटा, उसकी मैं कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज आइंस्टीन इंपॉर्टेंट है पूरे, दिस इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। देखो बेटा, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था हमारा चूंकि पूरा पेपर ही सॉलिड स्टेट का है, तो विल टॉक अबाउट द सॉलिड्स ओनली। अदरवाइज हमने कहा था गैसेस में स्पेसिफिक हीट, सीपी और सीवी, दो तरीके की बात कर रहे थे, पर वो सब ना करके हम सॉलिड्स में बात करेंगे। लास्ट वीडियो जो था, लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, सॉलिड्स पे कन्फाइन किया था, और उसमें भी मैंने कहा था हम जो लैटिस स्पेसिफिक हीट है, लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से जो स्पेसिफिक हीट होती है उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी किसी ने पिछला वीडियो नया देखा हो तो वो एक बार देख लेना, थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा और ये थ्योरी समझने में आसानी होगी। देखो बेटा, आइंस्टीन का जमाना जो है 1900 के बाद का आप कह सकते हैं, ठीक है, जब प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी भी आ गई थी। प्लैंक्स ने कहा था कि जो एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, वो डिस्क्रीट मोड में होती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। उससे पहले क्लासिकल थ्योरी चल रही थी जो कहती थी कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होती है। आप तो पढ़ ही रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं बेटा। क्वांटम मैकेनिक्स है इसी बेस पर कि वो कि जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। आपने ये इक्वेशन भी सुनी होगी कि प्लैंक्स क्वांट एन एच न्यू, प्लैंक्स ने दी थी बेटा ये इक्वेशन कि एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट मैनर में होती है। इससे पहले जो थी बेटा, मैं थोड़ा सा मैं बैक में लेके जाऊं, हिस्ट्री में लेके जाऊं, हमारे पास थी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो हीट कैपेसिटी होती है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, कि जो हीट कैपेसिटी है ऑफ ऑल सॉलिड्स इज कॉन्स्टेंट। ये तो अगर ऐसा ट्रू होता तो बहुत इजी काम हो जाता हमारे लिए, ठीक है कि नहीं है। इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 3R, फिर R इज आप सब जानते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब देर इज नो रोल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर इज नो रोल ऑफ टेम्परेचर इन द स्पेसिफिक हीट। दैट इज आई कैन से कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ सॉलिड्स का जिक्र कर रहा हूं इसलिए, कि जो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट होती है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस क्लासिकल थ्योरी वॉज गिवन बाई ड्यूलोंग एंड पेटिज, लो ड्यूलोंग एंड पेटिज, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट जो मैंने यहां लिखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्यूलोंग पेटिज लो, वी बोल ड्यूलोंग पेटिज लो भी बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड्स इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 3R एंड देर इज नो रोल ऑफ टेम्परेचर। दिस वॉज क्लासिकल थ्योरी। ऐसा नहीं है कि थ्योरी एकदम से ही डिसरिगार्ड हो गई थी बेटे, काफी लंबे टाइम तक इस थ्योरी को माना जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे साइंस डेवलप हुई, वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और साइंस जैसे एडवांस हुई हम 0 केल्विन की तरफ अप्रोच करने लगे। तो इट इज फाउंड कि ये जो स्टेटमेंट है बेटा, इट इज पार्शियली करेक्ट। मतलब मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाऊं एक, कि जैसे मान लो बेटे ये टेम्परेचर है केल्विन में, और ये आपका मान लीजिए, मैंने कहा था सॉलिड्स के केस में हम क्या लेते हैं, सीवी लेते हैं, ठीक है, एंड दिस मे बी, मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, इट मे बी कैलोरीज पर मोल और इट इज पर केल्विन। ओके, ये मान लो 3R है,
कैलोरीज में करेंगे तो नियरली 6 के आसपास आ जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ठीक है नियरली। तो ये मान लो 3R वाली लाइन है। इस थ्योरी के हिसाब से तो ये ग्राफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो ये हमेशा ही कैसा ग्राफ आना चाहिए था क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, तो चाहे लो टेम्परेचर हो और चाहे आपका हाई टेम्परेचर हो, जो ग्राफ रहेगा बेटा वो हमेशा ये वाला ग्राफ ही रहेगा। इट विल ऑलवेज बी 3R, इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। लेकिन लेटर ऑन मैंने कहा कि जब हमें लोअर टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन मिलने लगी बेटा, तो वी फाउंड कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ओल्ड टेम्परेचर पर, हाँ एक रूम टेम्परेचर की बात करें आप या हायर टेम्परेचर्स पर बात करें तो ये आपके लिए ठीक है। 3R होती है मोस्ट, बहुत सारे सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 3R होती है, लेकिन वो कब होती है, जब आप बेटा रूम टेम्परेचर पर होंगे या हायर टेम्परेचर पर होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को लो करते हैं तो इट इज फाउंड कि इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट लाइक दिस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इट नो मोर रिमेन्स कॉन्स्टेंट and decrease hote hote, and if we approach to the zero, the graph also approaches to zero. You all know we cannot reach to zero Kelvin. Exactly, तो हम zero Kelvin तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए liquid helium, मतलब यू कह सकते हैं आप 4 Kelvin के आसपास तक का हमने कर लिया, उसके बाद ग्राफ को आगे extrapolate कर दिया, it is found approaches to zero at zero Kelvin. जैसे for example, silicon के लिए मैंने एक ग्राफ बना दिया आपका, और किसी के लिए मैं बनाना चाहूँ, किसी मान लीजिए हम सिल्वर के लिए बनाना चाहें तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। लेकिन एवरी इन ऑल द वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, व्हाट वी वर ऑब्जर्विंग कि लोअर टेम्परेचर पर, एक मैंने आपको नॉन मेटल का सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया है, एक मेटल के लिए ग्राफ बनाया है बेटा, ओके तो बोथ आर डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड अप्रोचिंग टू जीरो एट जीरो केल्विन। इट मींस ये जो क्लासिकल थ्योरी है बेटा वो रूम टेम्परेचर मैं कहूं और हायर टेम्परेचर्स पे तो ओके थी ये थ्योरी ना, मतलब देन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड इट इज वैलिड फॉर रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर्स, रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, ठीक है बेटा, बट लोअर टेम्परेचर्स पर ये थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक है, अब बात आई धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात। तो बेटा इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक, इसका मैं ये बोल रहा हूं कुछ हद तक, इसका मतलब 100% तो आइंस्टीन भी सोल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन पहले आइंस्टीन से अगले स्टेप पे जाने के लिए तो पहले समझना पड़ेगा कि आइंस्टीन ने क्या किया, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहता है ये पूरा डेरिवेशन जो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो खैर मैंने अभी तक तो ये समझाया आपको कि हमें आइंस्टीन थ्योरी की आखिरकार जरूरत ही क्यों पड़ी, ओके? अब देखो बेटा, अब आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने ये माना कि हमारे पास, मैं आइंस्टीन की थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके कुछ पोस्टुलेट समझाता हूँ पहले आपको, फिर हम मैथमेटिक पार्ट की तरफ चलेंगे। जो ड्यूलॉन्ग पेटेज ने माना था वही कुछ चीजें इन्होंने भी मानी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, हमने पहले भी कहा था ओके, उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, एटम्स होते हैं, क्रिस्टल कंटेन्स ए नंबर ऑफ एटम्स। और मैं अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रहा था बेटा कि जो एटम्स होते हैं इवन इन सॉलिड्स दे आर नॉट एट रेस्ट, वो क्या करते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेशंस होते हैं उन एटम्स के अंदर, तो हम उनको क्या अज्यूम कर सकते हैं एज एन ऑसिलेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ लिया क्या ऑसिलेटर, या अभी नहीं पढ़ा है, लास्ट यूनिट में जाके नहीं आएगा, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके नहीं पढ़ा है, अच्छा अभी नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, मुझे वहां से एक रिजल्ट चाहिएगा, मैं फिलहाल वो रिजल्ट, वो आसान सा रिजल्ट डायरेक्टली भी समझ में आ जाएगा, हम वहां से उठा लेंगे। तो जैसे ऑसिलेटर होते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम था वो, बहुत ही सिंपल सा केस था ना हमारा, तो उस तरीके से क्या कहता है कि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं बेटा, एटम्स होते हैं, और उन एटम्स को हम क्या मान सकते हैं, कंटेन्स एटम विच कैन बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट हार्मोनिक
ऑसिलेटर्स। देखो बेटा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था कि सॉलिड्स में भी जो एटम्स हैं वो रेस्ट में नहीं होते, वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। ड्यू टू वाइब्रेशंस उनको हम क्या मान सकते हैं? ऑसिलेटर्स मान सकते हैं, वो द सिस्टम विच ऑसिलेट्स। ओके, हार्मोनिकली फिक्स, मतलब एक साइन फिक्स टाइम के बाद अपने आपको रिपीट करते हुए आइडेंटिकल, मतलब सारे सारे एटम्स का वाइब्रेशन एक जैसा होगा और एक दूसरे से इनडिपेंडेंट होंगे, मतलब वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, मान लो एक जो एटम होता है, ठीक है, उसको हम तीन डायरेक्शंस में वो ऑसिलेट कर सकता है, एक्स वाई जेड में, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है ना बेटा। तो एक एटम की बात करूं मैं, वन एटम, ठीक है, इट इज एक, क्या होता है इसमें, थ्री डायमेंशंस में, थ्री डायमेंशन ऑसिलेटर होता है। ओके, और अभी आप कह रहे थे कि सारे जो ऑसिलेटर्स हैं वो आइडेंटिकल, मतलब एक्स में वाई में जेड में सेम होगा, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा आसान करके एक एटम को बेटा हम क्या मानेंगे, इट विल बी इक्विवेलेंट टू थ्री वन डायमेंशन ऑसिलेटर्स। ये बात समझनी है थोड़ी सी। देखो बेटा एक एटम का हम एक्स पार्ट कंसीडर करें, y में मोशन कंसीडर करें, z में करें, ठीक है, एक एटम की तीन तरीके से एनर्जी आ सकती है उसके पास, लेकिन हमने कहा सब आइडेंटिकल है, तो हमने क्या किया, एक एटम को थ्री डायमेंशनल ऑसिलेटर स्टडी करना मुश्किल होता है, और वन डायमेंशनल ऑसिलेटर आप, मैंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे भी, वो आसान होता है, तो क्या हम एक ही बात नहीं है कि एक एटम को हम क्या मान लें कि वो किसके इक्विवेलेंट है बेटा, तीन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बराबर है। वन एटम इज इक्विवेलेंट टू थ्री वन डायमेंशनल ऑसिलेटर्स, समझ रहे हैं? या तो एक एटम को थ्री डायमेंशंस में मानो, या एक एटम को क्या मान लो कि वो थ्री के इक्विवेलेंट है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास n एटम्स हैं किसी सॉलिड में, तो n एटम्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे बेटा, 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। वैसे ये आइंस्टीन की नहीं थी यहां तक की बात, ठीक है, ये ड्यूलंग पैटीज की थी बेटा, और वो आइंस्टीन ने ऐसा उठा लिया था। आइंस्टीन का जो आएगा मैं बताऊंगा, जो डिफरेंट पार्ट उन्होंने क्या किया था। ओके, और हमने क्या कंसीडर किया था, ये इंपॉर्टेंट बात कि सारे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आइडेंटिकल है, तो उन्होंने कहा कि भाई सबकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी ना सब ऑसिलेटर्स की, वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। दैट इज हमारे पास उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हमारे ऑसिलेटर्स हैं, All oscillations will be of same natural frequency. मे भी हो सकता है यही कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो हम उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी बेटा। एंड जो मेन पॉइंट था आइंस्टीन की थ्योरी सारी की सारी जो है बेटा, वो इसी बात पर है कि एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। क्लासिकल थ्योरी और इस थ्योरी में मेजर डिफरेंस इसी बात का है, वहां पर हम कहते थे एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होती है, और यहां पर हम जो कहेंगे बेटा कि जो एनर्जी होती है, मतलब हम उनको क्वांटम ऑसिलेटर्स की तरह ट्रीट करेंगे। दीज ऑसिलेटर्स आर क्वांटम ऑसिलेटर्स, एंड अगर क्वांटम, देखो क्वांटम वर्ड जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, क्वांटम वर्ड बना ही क्वांटा से है ना, क्वांटा और क्वांटम जो है बेटा, और वो है ही किस लिए है आपके पास, विच शोज कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। क्वांटा, क्वांटा से बना है क्वांटम, और क्वांटा मतलब एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं होती है, एच न्यू के मल्टीपल्स में होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दीज आर द क्वांटम ऑसिलेटर्स एंड हैव, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डिस्क्रीट, हैव डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए वन जूल है, वन जूल के बाद हो सकता है सीधा टू जूल हो, 1.1, 1.2, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, वन के बाद एक गैप के बाद कोई वैल्यू आएगी, उतने गैप के बाद फिर अलग वैल्यू आएगी। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे
समझने की है, हमारे पास याद करने की है, जो क्वांटम थ्योरी को हमारी बाकी थ्योरी से, जो है क्लासिकल थ्योरी से अलग करती है, कि भाई ओसिलेटर्स जो हैं वो क्वांटम ओसिलेटर्स हैं एंड हैव डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम। ओके, और यहाँ से मैं जो बोल रहा था आप लोगों को, मैं वो रिजल्ट उठा रहा हूँ बेटा, जो लोग आप क्वांटम मैकेनिक्स में ड्राइव करेंगे, कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ओसिलेटर इज En is n plus half h nu। ये भाई आप, मैं पहली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये तो कुछ अलग लिख दिया आपने, प्लंक्स में तो अलग होता है, प्लंक्स जो थ्योरी है वो तो ये कहती है E is equal to n h nu होता है, h nu के पैकेट्स में होता है, और यहाँ n plus half h nu आ गया बेटा। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये डेरिवेशन आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई इवन दो एट जीरो केल्विन अगर कभी अचीव किया तो भी हम ये कहते हैं कि हमारे जो एटम्स हैं वो रेस्ट पर नहीं आएंगे। पर मैं इस थ्योरी को ना चाहते हुए ये मैं क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो आपके पास एन जो है वो क्वांटम नंबर है आपका। ओके, एन की वैल्यू जो होती है, इट कैन हैव 0, 1, 2, 3, इट कैन हैव एनी वैल्यू लाइक दिस। ओके, नाउ हमें क्या करना है बेटा, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ी है बेटा आपने पिछले सेमेस्टर्स में, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन, आपको दोनों पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, the average energy of an oscillator is, but मान लीजिए ये एक oscillator की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये energy, ये average का symbol होता है बेटा, ये भी average का symbol होता है, ये वाला भी average का है, ऊपर bar लगा दें, ये भी average का है बेटा। This is summation। आपने हो सकता है बेटा इंटीग्रेशन पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए आपने इसका e का निकालना, तो आपने ये पढ़ा हो e, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती थी हमारे पास e by kt लाइक दिस, जो भी है, मतलब आपने, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ बस इंटीग्रेशन पढ़ा हो सकता है, और मैं आज इंटीग्रेशन की जगह यहाँ summation यूज कर रहा हूँ। कोई बता सकता है कि what is the difference between integration and summation? Anybody? दोनों बेसिकली सम करते हैं, इंटीग्रेशन भी सम करता है और समेशन भी तो सम करता ही करता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? नहीं ध्यान किसी को भी बेटा, जब भी कहीं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी क्वांटिटी का, तो उसका सम जो होगा दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, और अगर कहीं डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वाला आप अलग अलग काउंट कर सकते हैं उनको, ओके, तो उनका अगर समेशन निकालना है, उनका सम निकालना है आपको, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, समेशन की। और चूंकि अब ये बात क्लियर हो चुकी थी प्लंक्स और आइंस्टीन की हेल्प से कि भाई इनकी एनर्जी जो होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, इसलिए हम समेशन यूज करेंगे इंटीग्रेशन के बजाय। क्लियर है? अगर कहीं भी मुझे पता होना चाहिए बेटा, अब फाइनल होने वाली आप लोगों की, कि इंटीग्रेशन कब करते हैं, समेशन कब करते हैं, जबकि दोनों के दोनों काम एक ही करते हैं, दोनों एडिशन का ही तो काम करते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो आप ये यूज करें, और अगर आपके पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है तो समेशन यूज करें। दिस इज, हमने एनर्जी का निकालना है, En एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल समझते हैं, e की पावर होती है माइनस En by kBT। ये मैं कहां से ले रहा हूं बेटा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से उठा रहा हूं मैं,
अपॉन समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन बाई के बी टी, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। वेयर के बी क्या है बताओ, के बी क्या चीज है भाई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यस इट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और टी जो होता है वो तो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बाकी तो ये तो बताया चुका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर एट जीरो केल्विन बेटा, वो तो एब्सोल्यूट जीरो होता है, जीरो एट टेम्परेचर एट जीरो केल्विन। तो फिर तो उसका मतलब यहाँ पे टी की जगह बस जीरो ही पुट कर दूंगा, फिर तो सब कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा क्यों भाई? टी की जगह जीरो पुट करते हैं तो सारा खत्म हो जाएगा। कोई और बताए मुझे कुछ इस बारे में? है भाई बेटा, बताओ बताओ। आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार मैसेज किया, देखो अभी भी दो बच्चे मुझे भेज रहे हैं ओनली नेम, इनका रोल नंबर एंड सेक्शन जब तक मेंशन नहीं करेंगे बेटा क्लास में ज्वाइनिंग नहीं होगी। अपने फ्रेंड्स को बता देना। देखो जीरो केल्विन बता रहे हो आप, टेम्परेचर एट जीरो केल्विन तो दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, और मैं एब्सोल्यूट जीरो वर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। मतलब आप कुछ कुछ हद तक पहुंच गए हो आसपास तो, पर लिटिल बिट गड़बड़ कर दी आपने। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है बेटा टेम्परेचर इन केल्विन, एक ही टेम्परेचर थोड़ी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब सीधी बात है, यहां जब अगर मैथमेटिकली पुट करनी है वैल्यू तो इट शुड बी इन केल्विन नॉट इन डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और आप जो बोल रहे हैं वो है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट जीरो जो होती है वो होता है जीरो केल्विन, ध्यान रहेगा? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, गुड। अच्छा एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर ही, चलो देखते हैं, आप तो क्वांटम पढ़ते ही हैं। हाफ मैं ना इसको 2π से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2π से ही डिवाइड, 2π से मल्टीप्लाई 2π से डिवाइड, और चाहो तो मैं इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट मान लेता हूं। ठीक है, क्यों क्या बताओ, ये क्या बन गया? एच कट। ये एच कट बन गया, बिल्कुल ठीक बात है। एन प्लस हाफ, क्योंकि मैं एक बार बार क्वांटम बोल रहा हूं, क्वांटम कट, और ये क्या बन गया 2π न्यू ओमेगा। तो इसको डाल लेते हैं नंबर वन इसकी बजाय ना। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है आप देख पा रहे हैं, पर हम इस फॉर्म में यूज करते हैं तो हम इसी को यूज करेंगे अब आगे। तो मैं बेटा अब ई एन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो यहां पर तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहां पर दिस इज समेशन जीरो टू इंफिनिटी बेटा एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा नोट बाई के बी टी डिवाइड बाई, पता नहीं चाहेगा अभी, जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस हाफ बटे एच कट ओमेगा नोट के बी टी। ठीक है भाई, हमने क्या किया, ई एन की वैल्यू पुट कर दिया। एक बात देखो, ये एच नॉट ओमेगा नॉट के बी टी, इस यहां पर ये जो वैल्यूज है जीरो टू इन्फिनिटी, ये तो एन की वैल्यूज है ना, तो यानी ये कुछ देर के लिए तो कांस्टेंट है सारा का सारा मेरे पास। कहो तो मैं इसको ना एक्स कंज्यूम अज्यूम कर लो एक्स वाई कुछ, मतलब थोड़ा डेरिवेशन ना इजी हो जाए, मतलब बड़ी बड़ी टर्म्स कम आएंगी, ये तो ऐसा चलेगा, क्योंकि हम वैल्यूज तो किसकी डिफर करेंगे यहाँ पर, सिर्फ एन की वैल्यूज अलग लगाएंगे ना, एन की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू वन, एन की वैल्यू टू, इस वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको अज्यूम कर रहा हूँ, और किस तरीके से लिख रहा हूँ देखो कि भाई ये कर रहा हूँ, लेट ये था क्या था भाई आपका एच ओमेगा नोट बाई के बी, और ये माइनस बैठाओ, इसका भी कोई काम नहीं अभी, तो बाद में ले लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम अपनी तरफ से हटा रहे हैं, तो एच कट ओमेगा नोट बाई के बी टी, इस पूरे के पूरे को मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूं भी,
ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया इसको, ये मेरी सिर्फ अजम्पशन है। और बाद में क्या करेंगे, लास्ट में इस x की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे इस डेरिवेशन में, तो जहां थे वहीं आ जाएंगे हम लोग। ओके, तो देखो बेटा ये बन जाएगा यहाँ पर, ये पूरा x बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा x, मैं इसको वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। देखो ये आया आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट इज बेटा समेशन एन जीरो से इंफिनिटी। ओके, और भाई ये एन प्लस हाफ इक्वल है भाई, जल्दी बाजू में ऊपर लगे जड़ मत समझ लेना, एक्सपोनेंशियल। देखो बच्चों बेटा ये सारा माइनस और ये सब तो एक्स हो गया, सिर्फ एन प्लस हाफ इंटू एक्स बच गया कि नहीं। इस पूरे को मैंने एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया है, ये सारा तो एक्स में चला गया। माइनस एन प्लस हाफ एक्स, क्लियर? तो कितना आसान हो गया जाएगा, देखो ना एन सर माइनस तो ले लिया ना आपने, गुड। यही मैं चेक करना चाह रहा था कि कुछ देख भी रहे हो या बस हाँ में हाँ मिला के चुपचाप बैठो। थैंक यू, ले लिया था। वैसे सच्चाई बताऊं मेरे को भी ध्यान नहीं रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया था। ठीक है बेटा, हाँ तो और आसान हो गया। एंड ये क्या बना बेटा, एक्सपोनेंशियल एन प्लस हाफ इंटू एक्स। एक बार फिर चेक कर लेते, गलती ना होगी। हाँ बच्चे बताओ, बट ओमेगा भी तो आएगा है बेटा, सर जो ऊपर टर्म है एच का तो ओमेगा आएगा ऊपर एन प्लस हाफ के मल्टीप्लिकेशन में, क्यों आएगा? ये हमने यहाँ पे एक्स में लिख तो लिया एच ओमेगा नॉट बाय केटी, पूरे को एक्स माना है हमने सर, यहाँ पर नहीं, समेशन के बाद जो एन प्लस वन बाय टू है यहाँ पर। ओके ओके ओके, यस 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 यस, ये वाला ये टर्म रहेगा, ये कह रहे हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको भारी ले लेता हूँ, क्या दिक्कत, ये यहाँ पे रह गया, ये कह रहे ना आप एच ओमेगा नॉट, अब तो ठीक है। यस यस सर। ओ ये भाई फिजिक्स वाले ना एरो की आदत ज्यादा होती है हमें, ये एरो नहीं है, ये सिंपल बार है, वेक्टर्स लगाते हैं ना फिजिक्स में हम बार बार, तो बार बार ये कुछ लगाता है, ये बार है सिंपल। लो भाई अब शुरू करते हैं, ये एच का टू मेगा बाहर लिख लिया, समीशन आता ना एक्सपेंड करना, एन की वैल्यू क्या पुट करूं पहले, जीरो, तो देखो ये आ गया वन बाई टू, तो ये आया वन बाई टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब समझते ना ई की पावर एक्स बाई टू प्लस, हाँ भाई थ्री बाई टू, हाँ थ्री बाई टू, हाँ बोलते जाओ ई की पावर थ्री एक्स बाई टू, थ्री एक्स बाई टू, वेरी गुड। अगला 5/2 छोड़ देते हैं अभी, बाद में देखेंगे उसको, ऐसे डिनोमिनेटर में करते हैं, क्या बचा e की पावर x by 2, x by 2 प्लस e की पावर 3/2 प्लस प्लस 5x by 2 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अब देखो भाई ये जो डिनोमिनेटर है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए y कंसीडर कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x by 2 e की पावर 3x by 2, इस पूरे को ना मैंने y मान लिया, ओके, और टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल log y, नेचुरल log e की पावर क्या था ये x by 2, 3x by 2, ठीक है, e की पावर बेटा x by 2, e की पावर 3x by 2, e की पावर 5x by 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी बेटा। सिंपल, डिनोमिनेटर जो था, सिर्फ डिनोमिनेटर को मैंने वाई का अज्यूम कर लिया है और मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया बेटा इसका, ओके, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताना भाई, कैसे करेंगे, वन बाय टू ई रेज़ टू पावर एक्स बाय टू, ठीक है,
पहले कंप्लीट का करेंगे सर, पहले कंप्लीट। ओके 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 ओके, पहले ये कह रहे हो जो ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये कह रहे हो ना? यस सर। पहले तो लोग का करेंगे बेटा, लोग x 1/x होता है, तो पहले तो ये टर्म आएगी। एक मिनट, अच्छा अब आप अलग अलग का होगा, अलग अलग का होगा, एक की पावर x by 2 का पहले, एक की पावर x by 2 मल्टीप्लाई 1 by 2। ये कह रहे हो? यस सर। एक बार सुन ले, एक मिनट बेटा, लोग का करते हैं 1 by x, देन फिर जो भी लोग का आर्गुमेंट है उसका करते हैं, तो हमने e की पावर x by 2 पावर में माइनस 1 by 2 आने से। नहीं सर, नहीं सही है, देख लो सही है सर, तुम बस ये होगा e की पावर x है ना बेटा, वो तो जनरल x की पावर n होता तो माइनस वन करते, यदि e की पावर x by 2 है तो e की पावर x by 2 रहेगा, और जो भी और उसके बाद फिर x by 2 का 1 by 2, मेरे ख्याल में ठीक है ये। यस सर, सही है सर, सही है। तो भैया अगले का बताओ फिर, अभी सेकंड टर्म का 3 by 2 e की पावर 3x by 2। बिल्कुल ठीक, e की पावर 3x by 2 और ये 3 by 2 हो गया बेटा, ठीक है ना, और प्लस ठीक है 5 by 2 e की पावर 5 by 2। हां एंड सो ऑन, ये आ गया बेटा, एक बार देखना जरा ध्यान से, ये क्या ये टर्म नहीं आ गई पूरी h न्यू नोट को छोड़ के? यस सर, ये पूरी आ गई बेटा, देख लो ध्यान से, न्यूमरेटर में यही है, डिनोमिनेटर में यही, यानी इस पूरे के जगह हम क्या लिखते हैं, ddx नेचुरल लॉग y लिख सकता हूं मैं? यस सर, यस सर, है ना बेटा, तो यानी ये, यानी ये क्या, ये मैं ये कह रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं एक बार, बाकी स्टेप वहां आएगा अगले पेज पे, ठीक है ना, एक बार एक और समझाने के लिए यहीं पे लिख रहा हूं, ddx और नेचुरल लॉग y, नेचुरल लॉग y बताओ बेटा ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस यस सर, अगर ये बनेगा तो अब yes, y की वैल्यू, इस y की वैल्यू पुट कर दूं? यस सर, यहां पे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, दिस विल बी, क्या चल रहा था, एवरेज वैल्यू चल रही थी, एवरेज वैल्यू, भाई ये एरो नहीं है, ठीक है, ये एच कट ओमेगा नॉट बेटा, ये तो, और अब ये ddx नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, बोलो y पावर x by 2 y की वैल्यू पुट कर, हां वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, नेचुरल लॉग e की पावर x by 2, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, 3x by 2 5x by 2 आगे जाओगे तो वही e की पावर 7x by 2 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो ये देखो हमने थोड़ा सोल्व किया इस टर्म को इस ढंग से, मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का फायदा उठाते हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक टर्म बना ली पूरी की। क्लियर सभी को? यस सर, यस सर। और अब अगर हम देखें एवरेज वैल्यू बेटा, एच कट ओमेगा नोट डी डी एक्स नेचुरल लॉग, दोबारा डिफरेंशिएशन मत करने लग जाना सीधा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वही टर्म आ जाएगी, फायदा क्या होगा? इसमें से ये देखो बेटा, e की पावर x by 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो अंदर बचा 1 e की पावर x by 2, सिर्फ x बचा ना, प्लस e की पावर 2x एंड सो ऑन, सही है? यस सर, यस सर, दिस मे बी रिटन एज बेटा ddx, देखो ये लोग है, मैं इसको a मान लूं और इस पूरे को b कंसीडर कर लूं, तो लोग a into b बन गया कि नहीं बन गया? यस सर, यस सर, तो क्या होता है लोग a into b? लोग a लोग a प्लस लोग b, लोग a प्लस लोग b। बेटा किसी बच्चे ने रेज हैंड किया हुआ है, किसी को कुछ पूछना है? मेरे पास एक सिंबल आ रहा है, किसी ने रेज हैंड किया हुआ है,
ओके देखो किसने किया हुआ है, ये मुझे नहीं पता लग रहा है कि किसने रेज हैंड किया हुआ है, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। नो सर। ठीक है, तो हो सकता है कई बार ना बाई चांस टैप हो जाता है कई बार स्क्रीन पे। तो देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग लॉग ए की पावर टू एक्स, ये हो गया। This is h cut omega naught. Sorry, ये तो है d by dx तो है ही अभी मेरे पास। हाँ भाई अब बताओ ये क्या बन गया? Log a power b x by 2। Only x by 2, बिल्कुल ठीक, x by 2 है बेटा। ओके हमारे पास क्योंकि एक पावर आ गया है कि नेचुरल लॉग 1 हो जाता है ये, और भाई हाँ नेचुरल लॉग ये तो 1 हो जाएगा। अब अरे ये वाली टर्म बेटा, ओके ये वाली टर्म का जो अगर आप देखें तो ये होता है माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स बेटा, इसका एक्सपोनेंशियल आप देखेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, आप करके देख लीजिएगा ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आप चेक कर सकते हैं ये जो सेकंड टर्म है ये इसका एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब एक्सपेंशन है नेचुरल लॉग का इस तरीके से ये माइनस में। ओके कैसे इसका सॉल्यूशन आपको खुद ट्राई कीजिएगा कि ये इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, नहीं आएगा तो कल की क्लास में मुझसे पूछिएगा ठीक है ना, नहीं तो आप लोग खुद ट्राई करके आएंगे। अभी क्लास है क्या आगे? यस सर। ओके 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 चलो फिर जस्ट 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 एक मिनट लगाऊंगा बस, फिर मैं हम फिर वाइंड अप करेंगे फिर तो इसको, मैं इसको नंबर डाल देता हूँ फिर ना, हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट क्लास है हमारी वो फिर इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से मैंने क्या किया है, ताकि हमने कहा कि बेटा जो पार्टिकल ऑसिलेटर्स हैं ठीक है उनकी एनर्जी डिस्कंटीन्यूअस होती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक फार्मूला मैंने उठाया n प्लस हाफ एच न्यू नोट, और मैंने ये न्यू नोट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से मैंने डिवाइड किया। ओके तो अब क्या हुआ ये एच कट आ गया और ये ओमेगा नोट आ गया। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन ला कहता है कि एवरेज एनर्जी निकालनी है, वहां इंटीग्रेशन होता है जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, और डिस्क्रीट हो तो हमने ये फॉर्म लिया बेटा। उसके बाद जस्ट हमने ई एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन बाई के टी और ये डिवाइड बाई दिस फैक्टर, ये वैल्यू पुट की बेटा मैंने, और मैंने कहा कि भाई इसका कोई रोल नहीं है अभी तो, लेटर ऑन तो आएगा एच ओमेगा नॉट बाय के बी टी, तो वो उसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया विद माइनस साइन, सो मेरा एक्सपेंशन थोड़ा सा इजी बन गया मेरे लिए। आप ही सोचो कि एक्स के बार बार मैं वो लिखता रहता तो थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत आती टर्म्स को, फिर यहाँ हमने थोड़ा सा यू कैन से कि मैथमेटिकल स्मार्टनेस दिखाई है बेटा, और इस डिनोमिनेटर को हमने एक्स कंसीडर किया और देन आफ्टर ये लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो यू फाउंड कि भाई ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिलके डी डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स हो गया था नेचुरल लॉग वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दी बेटा इसमें से ई रेज टू पावर एक्स बाई टू हमारा कॉमन हो गया। ओके तो आपके पास ये बचा ये लॉग एक्स वाई, इसको तो आपको आता है सोल्व करना, ये मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया आपके लिए कि आप खुद ट्राई करें इसको कि ये किस तरीके से आया है कहाँ से आया है ये। ओके तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करके कल इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा यहीं से आगे।